हेलो फ्रेंड्स, मीना पिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी एंड चीजी व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने लिया है, ये पास्ता है 200 ग्राम हमने इसे लिया है, 500 ml हमने दूध लिया है, साथ में हमने 2 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, ये मोजरेला चीज़ है वो हमने 4-5 चम्मच लिया है, 2 चम्मच हमने शिमला मिर्च कट करके लिए है, प्याज को भी हमने बारीक कट करके लिया है 2 बड़े चम्मच, 1/2 टीस्पून हमने लहसुन लिया है बारीक कट करके, 1 टेबलस्पून हमने मेयोनीज लिया है और 1 टेबलस्पून हमने मिल्क मेड लिया है, 1/2 कप हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं, इसके साथ में हमने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये इटालियन सीजनिंग है, ये हमें 1 टीस्पून लगेगी। नमक हमें स्वाद अनुसार लेंगे और 3 हमने प्रोसेस चीज के क्यूब्स लिए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चीजी और क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता। एक छोटा चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। इसे अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ये पास्ता बॉईल करने के लिए डालेंगे। पानी को हमने पहले ही थोड़ा उबाल के लिया है, गरम करके लिया है। हमें पास्ता को 80-85% पकाना है। तो हमारा पास्ता बन चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ड्रेन आउट करके रखते हैं। गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है हमने, इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। पहले हम इसमें थोड़ा सा ये 1 टीस्पून हमने लहसुन लिया है ये डाल लेते हैं। उसके हिसाब में हम इसमें प्याज डालेंगे, साथ ही में हम शिमला मिर्च डाल लेते हैं। और ये कॉर्न भी डाल लेते हैं। कॉर्न को पकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसके ऊपर ढक्कन रख लेते हैं। 2 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन निकाल के हम चेक करते हैं। ये हमारे कॉर्न पक चुके हैं, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। अभी सेम कढ़ाई में हम ये 2 टेबलस्पून बटर डाल लेंगे। व्हाइट सॉस बस पास्ता बनाने के लिए जो व्हाइट सॉस हम बना रहे हैं उसके लिए हमने ये 2 टेबलस्पून बटर लिया है और 2 टेबलस्पून ही हमने मैदा लिया है। एग्जैक्ट और परफेक्ट क्रीमी कंसिस्टेंसी का व्हाइट सॉस बनने के लिए सेम क्वांटिटी में आपको बटर और मैदा लेने की ज़रूरत रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, सिर्फ उसको कंटिन्यूअसली हिलाते हुए हम पकाएंगे। ये मैदा भूनने का अच्छा स्मेल आ रहा है। गैस की फ्लेम कम ही रखेंगे और इसमें धीरे धीरे मिल्क ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं विस्कर ले रही हूँ और साथ में ही थोड़ा थोड़ा मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये
मिर्च को धीरे धीरे ऐड करना है। वापिस से हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारे व्हाइट सॉस में बिल्कुल लम्स नहीं दिख रहे हैं। पूरा दूध इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा व्हाइट सॉस कितना अच्छा बना है, कितना क्रीमी और कैसा दिख रहा है। अभी हम इसमें बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। ये हमने नमक लिया है, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। ब्लैक पेपर पाउडर है, चिली फ्लेक्स डालेंगे। आपके चॉइस के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये इटालियन सीजनिंग है जो हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमारा व्हाइट सॉस पकता जाएगा वो ठीक होता जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा और मिल्क हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये हमने एक टेबलस्पून मिल्क मेड लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। बाहर जो हम रेस्टोरेंट में व्हाइट सॉस पास्ता खाते हैं उसमें थोड़ा स्वीट टेस्ट आता है, इसलिए इसमें हम मिल्क मेड डाल रहे हैं। और साथ ही में एक टेबलस्पून हमने मेयोनीज लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों से हमारा पास्ता बहुत अच्छा बनेगा। लिस्ट कर लेती हूँ मेयोनीज के लिए। इसे हमें एकदम ही चीज़ी बनाना है, इसलिए मैं ऐसे 3 क्यूब्स इसमें डाल रही हूँ। पर आपको अगर ज़्यादा चीज़ी पसंद नहीं है तो आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। गैस का फ्लेम हमने कम रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 क्यूब्स इसमें डाल लिए हैं। हमारा पास्ता बहुत ही चीज़ी बनने वाला है। ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं अच्छे से। सॉस की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो और उसका टेक्सचर भी देख सकते हो कितना अच्छा आया है। इससे ही पता चल रहा है कि हमारा व्हाइट सॉस कितना अच्छा बना है। अभी हम इसमें ये सब्जियां ऐड कर लेते हैं। और साथ में ही जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा है ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। धीरे धीरे ऐड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसा दिख रहा है। एकदम ही क्रीमी कंसिस्टेंसी का बना है हमारे पास्ता। अच्छे से मिक्स करने के बाद
एक मिनट के लिए हम इसमें पास्ता को ऐसे रहने देंगे और फिर सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा पास्ता कितना चीज़ी और क्रीमी बना है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसे सर्व करते वक्त हम इसमें ये मोज़रेला चीज़ बीच में डालेंगे। इसे ये देखिए, वापस से हम इसके ऊपर पास्ता डालते हैं। आप चाहिए तो एक दो मिनट के लिए आप इसे ओवन में भी रख सकते हो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पास्ता बहुत गर्म है, उसके हीट से ही जो मोज़रेला चीज़ है वो पिघल जाएगा। और वापस ऊपर से भी हम अभी ये चीज़ डाल लेते हैं। अभी इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स सर्विंग के लिए डाल रही हूँ। ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी एंड चीज़ी व्हाइट पास्ता बन चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, इससे मेरी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी और नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।